हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटोडेस्क फॉर्मल 2021 में प्रोग्राम हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं, हमारा जो फीचर्स हम लोग कौन सा कब यूज करते हैं वो मैं आज पूरा वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। इसमें एक प्रोग्राम भी बना के दिखाता हूँ आपको, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे 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 हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं जिससे हमारा मशीन को इशू ना हो, हम लोग वो मैं पूरा आपको कंप्लीट में बताने वाला हूँ। तो पहले मैं एक मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ, ये मॉडल हम इनपुट कर लेते हैं। अब जब हमारा मॉडल इनपुट हो जाता है तो हम लोग पहले क्या देखते हैं कि हमारा मॉडल इनपुट हो गया। अभी ये वो इनपुट होने के बाद पहला काम हमको क्या करना पड़ता है, पहले हम लोग ब्लॉक क्रिएट करते हैं। ब्लॉक हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं इसके अंदर, जब तक हम लोग ब्लॉक क्रिएट नहीं करेंगे इसके अंदर, जब तक हम लोग ब्लॉक क्रिएट नहीं करेंगे हमारा प्लेन नहीं बनेगा, प्रोग्राम नहीं बनेगा हमारा। इसमें बिना ब्लॉक को हम लोग कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर। तो हमको पहला काम हमारा क्या रहेगा, ब्लॉक क्रिएट करना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ब्लॉक्स में जाएंगे। ये हमारा ब्लॉक का ऑप्शन है, ये हमारा ब्लॉक का ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक को कैलकुलेट कर देंगे। ब्लॉक को कैलकुलेट करते टाइम पे देखिए एक इशू आ रहा है, क्या बोल रहा है, अनेबल टू डिफरेंट ब्लॉक्स। ये हमारा क्या होता है, इसमें इशू क्या होता है, जैसे कि हमको ब्लॉक, ये हमारा मॉडल्स है, लेकिन ये हमारा मॉडल इधर हमारे पास एक ऑप्शन आता है, ये हमारा पास के ऑप्शन आता है जिसमें हमारा इसमें ऑप्शन रहता है कि आपको ब्लॉक किस चीज़ के ऊपर चाहिए, मॉडल्स के ऊपर चाहिए या बाउंड्रीज के ऊपर चाहिए या एक्टिव पैटर्न के चाहिए, टूल पथ पैटर्न या फीचर्स, किसके ऊपर मॉडल ये ब्लॉक चाहिए आपको। तो आपका जो चीज़ रहेगा उसके ऊपर आप ब्लॉक इधर सेलेक्ट करेंगे और ब्लॉक को कैलकुलेट करेंगे। तो मेरा ये मॉडल्स है, ये हम लोग मॉडल है ना, ये हमारा मॉडल्स के ऊपर हमको ब्लॉक चाहिए। तो मैं क्या किया, मॉडल को सेलेक्ट किया और प्रोग्राम को कैलकुलेट किया। अगर प्रोग्राम को कैलकुलेट किया, जब इधर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इधर ब्लॉक को, तो हमारा ब्लॉक इधर आ जाएगा। ये देखिए इधर हमारा ब्लॉक आ जाएगा ऐसा। लेकिन मैं क्या, अगर हम लोग क्या करते हैं, मॉडल को सेलेक्ट कर हटा के अगर हम लोग फीचर्स या टूल पर कोई भी इधर एक सेलेक्ट करके ब्लॉक को कैलकुलेट करेंगे तो हमको इधर अनेबल का ऑप्शन आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर से ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ब्लॉक इसके ऊपर आ गया। अभी हमको क्या होगा, जब ब्लॉक आ गया तो हम लोग इस पर प्लेन क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम लोग वर्क प्लेन बोलते हैं। वर्क प्लेन हमारा क्या काम करता है, जैसे कि हमारा जॉब है जो उसका जो हम लोग सेंटर लेते हैं यक्स वाई जेड। जब हमारा यक्स है, जैसे कि हमारा जॉब जॉब ये है, अभी हमारा यक्स किधर से किधर तक है, इसमें हमारा इधर से इधर तक का यक्स है और इधर से इधर तक का वाई है। लेकिन हमको इसमें पता कैसा है, क्योंकि हमारा जो स्क्रीन का ये जो प्लेन है, मैं वो आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ये हमारा स्क्रीन का प्लेन है, ये इससे हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक आप मतलब ये मॉडल के ऊपर क्रिएट कर लेते हैं नया कस्टमाइज प्लेन ले लेते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम को हम लोग बनाने में इजी पड़ेगा। तो हम लोग अब जो प्लेन लेंगे ना, अभी मैं क्या करता हूँ, प्लेन लेके आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसा जब हम लोग प्लेन ले लेंगे ना, तो प्लेन को हमको क्या करना पड़ेगा, जब मैं हम लोग क्या करेंगे, प्लेन ले लेंगे ना इधर, तो हमको प्लेन हमारा काम क्या करता है, जब हमारा जो जॉब है ना उसका फ्रंट कैसा रहेगा वो हम लोग दिखा सकते हैं इसके अंदर, और हमारा जो ये एक्स वाई कैसा लेना है सेंटर, जैसे कभी हमारा ये ब्लॉक का सेंटर लेना है। अभी मैं क्या किया हूँ, ये ब्लॉक है, ये जॉब के सेंटर पर बीच के अंदर इसके वर्क प्लेन दिया हूँ, जिससे हमारा क्या होएगा, एक्स वाई का सेंटर कैसा रहेगा, जिससे हमारा एक्स वाई का सेंटर ब्लॉक से हो जाएगा। क्योंकि मैं प्लेन क्या किया हूँ, प्लेन को मैं सेंटर में दे दिया हूँ, तो इससे क्या होता है हमारा ब्लॉक का सेंटर रहेगा और सेंटर बीच में आ जाएगा इससे। और अगर हमें एक साइड में लेना रहेगा हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक साइड में सेलेक्ट करना पड़ेगा और एक साइड में हमारा प्लेन बन जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो सेंटर है वो इधर है, इधर बीच में नहीं, इधर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क प्लेन का हमारा काम क्या है, जब ये जॉब को किधर से हमारा सेंटर लेना है, किधर से दिखाना है, वो हमारा प्लेन का काम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक कस्टमाइज प्लेन ले लेंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा सेंटर इधर से है, तो हम लोग क्या करेंगे, जॉब को वैसे ही सेंटर लेंगे। फिर हमारा ये ब्लॉक हो गया और वर्क प्लेन हो गया। अभी हमारा ब्लॉक और वर्क प्लेन जब हो जाएगा क्रिएट, तब हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि हमारा प्लेन के हिसाब से हमारा जॉब लगेगा और ब्लॉक के ऊपर हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। अभी हमारा ये इतना काम हो गया, लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा, टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कटर के बिना भी हमारा जो भी टूल्स रह गए उसके बिना हम लोग प्रोग्राम नहीं चला सकते, क्योंकि हम लोग मशीन में टूल्स चलाते हैं, तो हमको टूल्स भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी टूल्स लेना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक आपको प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ, इसका आउटर का प्रोग्राम बनाता हूँ।
मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक को बड़ा कर लेता हूँ। कटर से बड़ा ब्लॉक रहना चाहिए कभी भी, क्योंकि अगर कटर से बड़ा ब्लॉक नहीं रहेगा तो आपका प्रोग्राम नहीं बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये पहले टूल्स, ये हमारा टूल्स का ऑप्शन है, ये इसके अंदर हम लोग टूल्स में ले लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये टूल्स ले लिया, इधर सेलेक्ट कर लिया, जिसमें मैं क्या करता हूँ, आठ का कटर ले लेता हूँ, ऐसा आठ का कटर ले लिया। लेकिन मेरा इधर अभी ब्लॉक क्या है, ये मॉडल्स के सेलेक्टेड बॉल ब्लॉक है, ब्लॉक मेरा बाहर नहीं है। तो मेरा क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक को बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने, थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, क्योंकि कटर से बड़ा ब्लॉक होना चाहिए। अगर हमारा थोड़ा एक्सटेंड नहीं रहेगा तो हमारा प्रोग्राम नहीं बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ एक्सटेंड किधर से करेंगे। इधर हमारे पास ऑप्शन आता है एक्सटेंशन का, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 दे देंगे ब्लॉक। 10 एम देने के बाद ब्लॉक कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेगा, वो चारों साइड में 10 10 एम प्लस हो जाएगा। जैसे कि अभी हमारा साइज देखिए, मैं ब्लॉक को एक्सटेंशन नहीं देता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरा बता रहा है 75 बाई 75 का ब्लॉक है। मैं अगर इसमें 10 एम एक्सटेंशन दे दिया तो क्या हो गया, 95। तो क्या हो गया, 95, 75 प्लस 20 95, वो क्या हो गया, 10 एम पर साइड में ले लिया। इधर से भी 10 एम ले लिया, इधर भी 10 एम आ गया वो, और इधर भी 10 एम, मतलब चारों साइड में 10 10 एम हमारा प्लस हो गया, जिससे हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक को कैलकुलेट नहीं करता हूँ, आपको प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ जिसमें प्रोग्राम हमारा बनेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक क्रिएट कर लेंगे, जाते हैं हम लोग फीचर्स में और एक कमांड सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा एक कमांड सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इस कमांड के, हमारा इस कमांड के लिए हमको क्या चाहिए, स्केच कर चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कर सेलेक्ट कर लेंगे, एक कर सेलेक्ट कर लेंगे। कर सेलेक्ट करने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। एक कमांड को सेलेक्ट करें, हमारा जो कमांड, जब हम लोग कोई भी कमांड सेलेक्ट करते हैं तो हमारा वो जो कमांड है किधर आता है, इधर टूल पथ में, इधर हमारा टूल पथ में कमांड वो आ जाता है। जब हम टूल सेलेक्ट करते हैं तो इधर हमारा टूल सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमको ये टूल इधर दिखने लगता है कि जो हम लोग टूल ले हैं वो हमारा इधर दिखता है, ऐसा। तो जो भी हमारा टूल से इधर हमारा आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसके सेटिंग्स में चले जाते हैं। जब हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इधर सेटिंग में जाने के बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग इधर हमारा जो ऑप्शन है, जो हम लोग स्केच बनाए, कर बनाए हैं, वो कर को हम लोग इधर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमको प्रोग्राम बाहर की तरफ चलाना है, इनसाइड में, क्योंकि मॉडल के अंदर पूरा हमारा जाएगा नहीं, बाहर साइड में जाएगा। अभी हमारा जो इसका हाइट है कितना है देख लेते हैं, 16 mm। हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारा जो लोअर लिमिट है, इसमें क्या करते हैं, प्रोग्राम दे देते हैं कि 16 mm, -16 mm। और फिर इसमें जाएंगे और हमको प्रोग्राम कितना चाहिए, +16 mm तक का प्रोग्राम, मतलब 0 से 16 mm डीपिंग चाहिए। तो हम लोग इधर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आने के बाद प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देंगे, ऐसा। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि हमारा ब्लॉक बड़ा नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक में जाके, एक्सटेंशन में जाके 10 mm का ब्लॉक कैलकुलेट करेंगे बड़ा, फिर प्रोग्राम जब कैलकुलेट करेंगे तब हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। तो देखिए हमारा प्रोग्राम बन गया, ये अभी हमारा प्रोग्राम बन गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सिमुलेशन कर देता हूँ। अभी मैं सिमुलेशन किया तो देखिए हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा। अभी ये हमारा प्रोग्राम चलने लगा, तो इससे क्या होगा, अभी हमारा प्रोग्राम आउटर में चल के पूरा आउटर हमारा मशीनिंग हो जाएगा। मैं आपको इसको बंद कर देता हूँ, फिर से इसके सेटिंग में चले जाते हैं। इसमें मैं क्या किया हूँ, जो इसका प्रोग्राम है वो मैं टॉप से चलाया हूँ, ये देखिए। अभी मैं क्या किया हूँ, टॉप से चलाया हूँ और इसमें जो कट है वो मैं इसमें 1 mm का दिया हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली प्रोग्राम नीचे की तरफ ले लेता हूँ, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ और प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देता हूँ। जब प्रोग्राम कैलकुलेट कर देता हूँ तो क्या होता है, हमारा प्रोग्राम डायरेक्टली 16 mm डिपिंग में चला गया, देखिए ये एकदम नीचे लोवेस्ट में, एक पास, वन पास हो गया। तो इससे क्या होगा, जब हम लोग इसको सिमुलेशन करेंगे तो प्रोग्राम क्या होगा, डायरेक्टली नीचे जाएगा चलने के लिए, ऐसा। तो इससे क्या होगा कि जब हम लोग डायरेक्टली नीचे लेंगे, क्योंकि हमारा मोटर जो मेटल है इसमें, अभी टॉप में मेटल है, हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम टॉप से चलाना है। अगर हम लोग डायरेक्टली नीचे चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, मशीन कटर जो है वो टूट जाएगा या एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इससे लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, टॉप से चलाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सेटिंग में जाएंगे और हम लोग टॉप से प्रोग्राम चलाएंगे। तो हम लोग जितना लोवेस्ट में जाएंगे उतना हम लोग इधर स्टॉक में देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 देंगे, तो प्रोग्राम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम बन जाएगा वो टॉप से। तो हमारा क्या होगा, प्रोग्राम टॉप से चलने लगेगा, ऐसा। तब तो वो प्रोग्राम टॉप से चलते जाएगा तो हमारा जो मेटल है वो ऊपर से निकलते निकलते नीचे की तरफ चला जाएगा, जिसमें पूरा मेटल निकल के आउटर हमारा मशीनिंग हो जाएगा।
ये देखिए, ये सिमुलेशन हमारा ऊपर से चल रहा है। अभी ये हमारा प्रोग्राम बन गया, अभी ये हमारा प्रोग्राम बन गया तो हमको क्या करना पड़ता है, पोस्ट करना पड़ता है। अभी हम लोग पोस्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम लोग पोस्ट कैसे करते हैं, अभी हमारा जो प्रोग्राम है टूल पाथ के अंदर, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे। अभी एक्टिवेट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और इधर हमारा ऑप्शन आएगा एनसी का। जब हम लोग इसमें जाएंगे ना तो हमारा इधर एनसी का ऑप्शन है, ये इसके अंदर हमारा प्रोग्राम चला जाता है। जब हमारा इसके अंदर प्रोग्राम चला जाएगा, ये देखिए हमारा प्रोग्राम आ गया, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, राइट करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारा राइट का ऑप्शन आएगा तो हम लोग राइट करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बन जाएगा ऐसा। जब हमारा प्रोग्राम बन जाएगा, अभी मैं उसको ओपन करके आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ व्यू में, ये देखिए हमारा प्रोग्राम बन गया ऐसा। जब हमारा ये प्रोग्राम बन जाएगा तो इसको हम लोग मशीन के अंदर डाल के जॉब को चला सकते हैं। जब हम लोग मशीन के अंदर डालेंगे तो हमारा जॉब चलेगा, और जैसा इसमें आपको सिमुलेशन में दिख रहा होगा जॉब, ये जैसा हमारा जॉब चल रहा है वैसा उधर हमारा मशीन पे भी जॉब प्रोग्राम चलेगा, और वैसा जॉब कंप्लीट आपका आउटर कंप्लीट करके बन जाएगा ऐसा। इस वीडियो में आपको पता चल गया रहेगा कि हम लोग मॉडल जब इनपुट करते हैं तो क्या क्या चीज, पहला काम हमारा जैसे हमारा काम ब्लॉक का है, वर्क प्लेन क्रिएट करना, ये तो ये सब हमारा काम पहले अगर हम लोग करेंगे उसके बाद ही हम लोग प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, अगर ब्लॉक हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे तो हमारा प्लेन क्रिएट नहीं होएगा। जब तक हमारा प्लेन क्रिएट नहीं होएगा तो हम लोग मशीन पे हमारा जॉब कैसा है, वो फ्रंट कैसा है, हम लोग वो उसको हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए हमारा प्लेन क्रिएट करना और ब्लॉक को कैलकुलेट करना, ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप उसके जब करने के बाद तब आप प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। ये आपको वीडियो में कंप्लीट समझ में आ गया रहेगा। अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, नहीं रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर मेरे से बात करना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए। अगर आपको डिजाइनिंग या प्रोग्रामिंग का कोई भी डाउट रहेगा तो मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको उधर बता दूंगा।